लाइव जुड़ गए हैं गोड्डा लोकसभा से। जी हाँ, आज नामांकन हो चुका है निशिकांत दुबे का, जो कि भाजपा से प्रत्याशी है और लगभग 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको बताऊं कि यहाँ की जनता मेरे साथ मौजूद है। मैं गोड्डा इस समय विधानसभा में हूँ और आपको बता दूं कि अगर आप बात करेंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है, तो मुझे लगता है जनता हमें बेहतर तरीके से बता पाएगी। सबसे पहले बताइए गोड्डा लोकसभा का क्या हाल है। गोड्डा लोकसभा में यहाँ बीजेपी का परचम लहराने वाला है फिर से, लेकिन उसका कारण क्या है? कारण विकास है। हम लोग के सांसद ने विकास किया है, विकास के नाम पे हम लोग देख लीजिए, आज हम लोग पहले यहाँ पे रोड नहीं था। जब हम लोग यहाँ आते थे तो हजडिया से यहाँ आने में 1 घंटा लगता था। आज हम लोग को NH दिया, NH के साथ साथ रेलवे लाइन दिया, रेल के वजह से हम लोग को बहुत मदद मिल रहा है। पहले हम लोग जब कहीं जाना होता था तो यहाँ से देवघर जाके JCD में ट्रेन पकड़ना पड़ता था, उसके लिए बस से जाना पड़ता था। आज ट्रेन होने की वजह से हम लोग मात्र 25 रुपए में यहाँ से देवघर चले जाते हैं, रांची भी चले जाते हैं, मतलब हर जगह के लिए यहाँ से ट्रेन चलती है। शिक्षा हो, रोजगार हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर बात होती है। गोड्डा का क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है यहाँ पे। शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे बहुत तरह का शिक्षा में जो है माहौल अच्छा। हाँ, सैनिक स्कूल है, प्लस यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है, बहुत तरह का सुविधा दे दिया है शिक्षा के तौर पे। अच्छा, आप ये बताइए, आपके जो सांसद है ये पिछले 5 साल से नहीं बल्कि पिछले 15 साल से 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं, चौथी बार फिर ग्राउंड पे है। सांसद ने क्या दिया अपने गोड्डा लोकसभा को? अरे क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया, ये तो विकास पुरुष है। आज NH देख लीजिए गोड्डा में, आज अडानी देख लीजिए, रेल देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, हर चीज दिया, वो तो विकास पुरुष है। और 9 लाख क्या 10 लाख इस बार पार हो जाएगा। चलिए, पब्लिक को ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। खैर, आप मुझे बताइए ग्राउंडेड तौर पे क्या देख रहे हैं इस वक्त? विकास ही विकास है गोड्डा लोकसभा में। और जो मेरे MP है माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे, वो 15 साल पहले जो विकास नहीं हुआ तो अब विकास दिख रहा है। रोड है, एयरपोर्ट है, एम्स है, रेल है, आपका शिक्षा में बहुत अच्छा है। और जहाँ गाँव कस्बा रोड नहीं नजर आता, अभी रोड ही रोड है हर जगह। मोदी जी, बात बताइए, प्रदीप यादव जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, वो गोड्डा के पुड़ैयाहाट के विधायक है। इस बार चुनावी मैदान में है, टक्कर नजर आ रही है? कहीं टक्कर नहीं है, टक्कर कहीं नहीं है, रुको ना, भाजपा ही भाजपा है, हर गांव कस्बा मोदी जी की लहर है, विकास ही विकास है। और 9 लाख क्या 10 लाख पार हो जाएगा। अच्छा, बात बताइए, इस बार तो आप लोग बहुमत का आंकड़ा भी फेल करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग ही लेवल का आपने आंकड़े बता दिए इस क्षेत्र से, लेकिन गोड्डा की जनता की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो उनके सांसद ने पूरी ना की हो? नहीं, हम लोग का सांसद पूरी कर दी है। हमने यहाँ ट्रेन का सुविधा दी था, ट्रेन आ गए हैं, NH रोड बन रहे हैं, एम्स है, आप जनता को क्या चाहिए? चलिए, एम्स आ गया है, एयरपोर्ट आ गया है, मोदी जी कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करेगा, आपका तो अब एयरपोर्ट भी आ गया है जी। तो ग्राउंडेड तौर पे काम हो गया? हाँ। अपने नेता से क्या उम्मीद है? यही कि अच्छा शिक्षा तिक्षा सुधार मिले। सुधार अभी जरूरत है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि रोजगार को अगर छोड़ दूं, शिक्षा को अगर छोड़ दूं, अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के नाम पर क्या मिला गोड्डा को? एम्स मिला। प्रधानमंत्री के कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री की कोई ऐसी 2 चीजें बताओ जो आपको बहुत पसंद आई हो। बहुत पसंद, हम लोगों को ट्रेन मिला, बहुत पैसा लगता था कलकत्ता तक कमाने जाने में, दूसरा हॉस्पिटल एम्स मिला, दिल्ली जाने पड़ता था इलाज कराने के लिए। घर में कितने लोग हैं? 9। परिवार ठीक ढंग से चल रहा है? एक बड़ा फार्मूला आया था बीच में, राशन दे रहे, राशन मिला? जी मिला था। चलिए, राशन मिला था। भैया एक बात बताइए, सरकार कोई भी रहे, जनता की 2 ही चीजें सबसे मेन होती है कि स्वास्थ्य ठीक ठाक मिले और शिक्षा ठीक ठाक मिले। गोड्डा का क्या हाल है? गोड्डा का आप देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स देवघर में खुला है और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा लड़खड़ाते जा रहा है, लेकिन जब से हमारे क्षेत्र में अडानी आया तो यहाँ पर जो है ज्ञानोदय के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया गया। लेकिन ये राज्य सरकार का नाकामयाबी है कि वो न तो अपने स्कूलों में शिक्षकों की बहाली कर पा रही है और न ही कुछ कर पा रहे है, इसी के लिए शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो जा रही है जिसमें केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है। प्रदीप यादव जी को जानते हैं? जी हाँ, हमारे पुड़ैयाहाट के विधायक है और मैं उसी विधानसभा क्षेत्र का सदस्य हूँ। तो क्या हाल है विधायक जी के? विधायक जी का हाल भी ठीक ठाक ही है, लेकिन उम्मीद कम ही है। टक्कर की लड़ाई है ये, एक तरफा टक्कर की कोई लड़ाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री को जानते हैं? प्रधानमंत्री को जी कौन नहीं जानता है।
हमारे नरेंद्र दामोदर राव मोदी जी है, दामोदर दास मोदी जी है। चलिए आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री के कोई दो या तीन काम बता दीजिए जो आपको लगता है कि ये जो काम है 10 साल में ये कोई और नहीं कर सकता। जैसे स्मार्ट कार्ड योजना से जो इलाज हो रहा है वो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मान लीजिए अभी हम गरीब आदमी हैं, अगर हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो हम अपना इलाज नहीं करा सकते थे, या तो अपना खेत जमीन बेचकर इलाज कराते या तो फिर अन्य कोई महाजन के पास जाकर पैसा उठाकर इलाज कराते थे। लेकिन आज वो समस्या गरीबों की दूर हो चुकी है। आयुष्मान योजना कितना फायदा? बहुत फायदा, हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा फायदा और हमारे गोड्डा में आज हर जगह इलाज हो जा रहा है फ्री में। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी, जो गरीब के पास पैसा नहीं था, किसी को पथरी हो जा रहा है, ऑपरेशन करा नहीं रहा, उस वजह से मर जा रहा है, आज उसी कार्ड के बदौलत आज फ्री में इलाज हो रहा है हर जगह। अच्छा बात बताइए, गोड्डा से ही लगा धनबाद है, गोड्डा से लगा ही गिरिडीह है, बाकी जब लोकसभाओं को देखते हैं और जब अपनी लोकसभा को देखते हैं तो कितना चेंज पाते हैं? बहुत चेंज पाते हैं। आप इससे पहले भी देख चुके होंगे, 15 साल पहले भी बहुत सारे सांसद थे, आप पता कर लीजिएगा जमीनी स्तर पर कहीं कोई विकास नहीं हुआ। आज 15 साल से निशिकांत दुबे हैं, देखिए विकास के नाम पर रोड है, पहले चलने के लिए रोड नहीं था। आज हमारे विधायक जी गोड्डा में, आप कहीं भी चले जाइए आधे घंटे के अंदर अपना गोड्डा मेन टाउन आ सकते हैं, किसी भी गांव में चले जाइए आज विधायक जी के बदौलत हम लोग आधे घंटे में गोड्डा आ सकते हैं। 15 साल निशिकांत दुबे, जनता ने कैसे देखा उन्हें? निशिकांत दुबे है तो विकास है, गोड्डा तो पहले बहुत पिछड़ा था, कुछ नहीं था। जब से निशिकांत दुबे आए हैं गोड्डा लग रहा है, गोड्डा को तो कोई जानता नहीं था बढ़िया से। जब से दुबे जी आए हैं मॉल देख रहे हैं, मॉल के बारे में भी आदमी नहीं जानते थे इधर का मॉल है, उसके बाद जाके रेल जो काम किया, यही प्रदीप यादव बोलने वाले थे जो रेल का धुआं दिखा देगा तो मैं अपना वोट उसको दे दूंगा। रेल का धुआं के पूछता प्लेन का धुआं दिखा दिया। अपोजिशन में प्रदीप यादव जी का आपने जिक्र किया तो सवाल भी पूछ लेती हूँ, आप लोग क्योंकि ग्राउंड पर रहते हैं देखते हैं, प्रदीप यादव विधायक भी अब तो प्रत्याशी के तौर पर आए, 19 में भी किस्मत अजमा चुके हैं, 24 में आप लोगों का क्या मन? 24 में फिर हम लोग वही दुबे जी आएंगे, मोदी जी। अच्छा एक बात बताइए ना कि कंपटीशन से बाहर लीडर नजर आ रहे हैं क्या आपको इस बार? नहीं, कंपटीशन से तो बाहर ही है हमको लगता है। निशिकांत जी की कोई 4 से 5 ऐसी उपलब्धियां आप बता दीजिए एक लाइन से फटाफट दर्शकों को, क्योंकि लाइव जा रहा है इस समय, कि उन्होंने क्या किया? एम्स एयरपोर्ट, हसडिया टू महागामा मेन रोड देख लीजिए, उसके बाद रेलवे स्टेशन देख लीजिए। प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? मोदी। देश की तस्वीर कौन बदलेगा? मोदी ही बदल। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन तो उसका कोई नया सोचे नहीं है, जो कि उन बनेगा नहीं बनेगा उसका अपना कोई ठिकाना नहीं। राज्य सरकार के कार्यकाल कैसे रहे? राज्य सरकार तो बिल्कुल खराब किया, ठगबंधन हो गया, गठबंधन ठगबंधन हो गया। बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में, अब सवाल यही उठता है कि इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, क्या हाल है गोड्डा की जनता क्या कहती है? गोड्डा की जनता बस निशिकांत दुबे कहती है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें बहुत सारे नेता है, चाहे राहुल गांधी जी हो या फिर चंपई सोरेन जी हो, कल्पना सोरेन जी हो, ये सभी लोग एक तरफ है। राज्य सरकार का काम आप लोगों को कैसा लगा? कुछ नहीं अच्छा लगा। नाराजगी किस बात को? नाराजगी शिक्षा में कुछ नहीं, हॉस्पिटल विभाग में कुछ नहीं, रोड में कुछ नहीं, खाली हवाबाजी, स्थिति जर्जर है। यानी हम लोग दुबे जी के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, अच्छा सांसद है, बहुत अच्छा, और मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। कारण क्या है? मोदी जी बहुत अच्छी काम किए हैं, सिलेंडर दिए हैं, जैसे रोड दिए हैं। सिलेंडर आने से जेब की आपकी बचत हो गई? हाँ बचत ही, बहुत बची थी। चलिए चलिए, देखिए आपको एक बात बता दूं कि पब्लिक क्योंकि मेरे साथ जुड़ी हुई है, एक न्यूट्रल राय होते हैं पब्लिक के, पब्लिक बताती है कि उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि और अच्छे से जानने के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और पब्लिक से पूछते हैं कि उनके बेसिक मुद्दे ऐसे कौन से है जिसका समाधान अभी होना बाकी है। गोड्डा लोकसभा और गोड्डा विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वापस से अपनी जनता से जुड़ जाती हूँ। भैया आप लोग थोड़ा सा आगे की तरफ आइए, अब मैं आपसे थोड़ा और खुल के बात करूँ, झारखंड का हाल क्या है? नेताजी का नहीं, झारखंड का हाल क्या है? झारखंड का तो हाल अभी बेकार है, यहाँ कुछ नहीं, नौकरी मिल रहा है किसी को, सब बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग। अच्छा बताइए चंपई सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार कैसा काम कर रही है? कुछ नहीं किया है, वो क्या किया है, आवाज अब आवाज दिया उसका भी किस्त नहीं आ रहा है, किस्त दे दिया उनके बाद कहाँ पैसा है पता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। गोड्डा के सांसद कौन है? निशिकांत दुबे है। आपके गोड्डा के विधायक कौन है? अमित मंडल है। आपके गोड्डा का क्या हाल है? गोड्डा का हाल तो ठीक है। प्रदीप यादव जी कौन है? प्रदीप यादव पड़ैयाट का विधायक जी है। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं?
अभी क्या करेगा, अभी तो सांसद का इलेक्शन का चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, फटाफट फटाफट आपने मेरे को जल्दी जल्दी जवाब दे दिया, अब थोड़ा सा खुल के आराम से बात करते हैं। प्रदीप यादव वर्सेस निशिकांत दुबे, कौन किस पे भारी? निशिकांत दुबे। कारण क्या है? कारण है विकास किया है निशिकांत दुबे। अच्छा, निशिकांत दुबे जी ने विकास किया, कोई बता रहा है रेलवे को लेकर काम हुआ है, कोई बता रहा है एम्स को लेकर काम हुआ है, आप बताइए ना, आपने अपनी आंखों से क्या काम होते हुए देखा ग्राउंड पे? ग्राउंड पे हम लोग देखे क्या रेल लाया, उसके बाद फिर कस्तूरबा हम लोगों का दिया है, हम लोगों को प्रखंड में दिया है, यही सब किया है। अच्छा बाप बताइए, नेता ग्राउंड पे आते हैं? जरूर आते हैं। निशिकांत दुबे जी कौन है? सांसद जी हैं। कब से सांसद है? 15 साल से। और सांसद जी का हाल क्या है? ठीक है। जनता से इंटरेक्शन करते हैं? एकदम। गोड्डा के विधायक कौन है? अमित मंडल। देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। कोई दो काम बता दीजिए। मोदी जी का आयुष्मान कार्ड दिया है, जो गरीब फायदा उठा रहा है उससे, आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं हर महीने। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अभी क्या मतलब करियर के हिसाब से क्या बनना चाहते हैं? कहीं टीचर उचर बनना चाह रहे हैं। कहीं टीचर बनना चाहते हैं। आजकल पेपर लीक मामला बड़ा चल रहा है झारखंड में, कारण क्या है? कारण अब तो सरकार ही बताएंगे, इसमें हर बार तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है? हर बार लीक ही हो रहा है। तो आप लोग क्या ऑप्शन देख रहे हैं? अगर पेपर लीक होते रहे तो क्या करेंगे रोजगार के लिए? यार ऐसे ही रोजगार रहेंगे तब जिस तरह हैं अभी। तो केंद्र की सरकार कुछ कर रही है रोजगार के लिए? कर तो रहे हैं। निशिकांत दुबे जी आप बता रहे हैं पिछले 15 साल से है, कुछ कारखाने लगे गोड्डा में? अडानी लगे हुए। अडानी लगे हुए? अडानी लगे हुए जाके लोकल ही जो उसमें जॉब कर रहे हैं। अच्छा बाप बताइए, हर किसी का एक सपना होता है बनने का, आपका क्या सपना है टीचर के अलावा? अगर ऑप्शन छोड़े तो अभी तो मेरा क्वालिफिकेशन टीचर के लिए है, तो टीचर ही। चलिए, ऑप्शनल में मतलब कुछ नहीं है, बस एक तैयारी है जिसके लिए आप लोग लगे हुए हैं। भैया एक बात बताइए, आप पीछे से कई सारी योजनाओं के बारे में बता रहे थे, मैं योजनाओं पे बात नहीं करूंगी। गरीब आदमी का घर का राशन उसके लिए सबसे जरूरी होता है, सरकार की जो एक योजना है जिसमें वो कहती है कि हम राशन दे रहे हैं, तो राशन चुनावी मुद्दा है क्या? चुनावी मुद्दा नहीं, वो तो लोकल आदमी का नीड है, उसको तो राशन चाहिए। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर 5 kg चावल दिया जा रहा है, 5 kg गेहूँ दिया जा रहा है, चीनी नमक वगैरह सब दिया जा रहा है। और बीजेपी का चलिए, यानी कि आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर जो और लोग हैं उनसे मैं एक बार बात और कर लेती हूँ। राशन देकर जनता को निकम्मा बना दिया, ऐसा बयान बहुत सारे आते हैं, आप तो क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही है। राशन के बदले अगर हमें रोजगार दे दे तो राशन की भीख हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, और जो कि मेरे पास नहीं है। जो आपके पास नहीं है? जनता को राशन नहीं चाहिए, काम चाहिए? नहीं चाहिए रोजगार, काम चाहिए। काम चाहिए, तो ये पब्लिक है जो काम पे बात करती है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने कई सारे मुद्दे सुने, चाहे जिसमें रोजगार की बात हो, एम्स की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, जिन पर जनता कह रही है कि सांसद ने काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि ये सारी चीजें अपनी जगह, अगर हाथ में काम होगा, रोजगार होगा, तो घर चलाना आसान होगा। फिलहाल आप हमारे दूसरे संवाददाता को रांची से सुनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के जनता का मिजाज और समझ रहे थे। ब्रेक के बाद हम रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता का मिजाज को समझेंगे। और हम इस वक्त मौजूद हैं रांची निबंधन कार्यालय परिसर में, दस्तावेज नवीन संघ के जो सदस्य है, डी डायरेक्टर है, वो हमारे साथ मौजूद है, दो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। रांची लोकसभा सीट से भाजपा दोबारा जो मौजूदा सांसद है संजय सेठ पर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस जो है वो यशस्विनी सहाय, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की पुत्री है, वो चुनावी मैदान में है। सभी ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया और इसके अलावा भी कई जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी चुनावी मैदान में। ऐसे में इस बार जो है वो आम जनता जो है उनकी नब्ज़ को हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है लोगों का और जिसके आधार पर अपना वोट कास्ट करेंगे। आपके लिए क्या मुद्दा है, इस बार के लोकसभा चुनाव का क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का कार्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, सभी कार्यालय में, अगर आप यहाँ का खतियानी रैयत हैं तो अगर कहीं भी अगर बाप बाल बच्चे का जाति वासी बने बिना पैसा का नहीं बनता है। सरकार कोई भी सरकार बने जो झारखंड के हित में काम करे, जो इसको संभाल सके, नहीं तो किसी भी पार्टी का सरकार बन रही है लूटने का काम किया जा रहा है, या खदान का हो या आम पब्लिक का हो। अगर खतियान में 0-0 प्लॉट है, अगर हम लोग चाहें किसी भी एक आदमी को जिताएं, इसको रोक नहीं पा रहा है कि किसी भी कार्यालय में कि भ्रष्टाचार रोके, उसमें बोलता है 1000 रुपया, 10,000, 50,000 रुपये डिसमिल घूस चाहिए। हम लोग ऐसा आदमी चाहिए जो हम लोग ये घुसखोरी को बंद कर सके। अभी मौजूदा समय में सांसद संजय सेठ जो प्रत्याशी है बीजेपी का, और यशस्विनी सहाय जो कांग्रेस के प्रत्याशी है,
तो आप वोट कास्ट तो करेंगे ही, किसी न किसी को वोट देंगे, तो आपके लिए क्या मुद्दा है? भ्रष्टाचार आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में किनको देना चाहिए जो कि जो भ्रष्टाचार उस पर रोक लगा सके, लगाम लग सके? झारखंड हित में काम करे, हम लोग समझेंगे बुझेंगे, जो झारखंड हित में काम करे, जो झारखंड हित के पब्लिक के हित में काम करे, उसी को हम लोग वोट देंगे। आपके लिए क्या मुद्दा है? हर किसी के लिए अपना अपना मुद्दा होता है। बहुत विकास किया है, जैसे हर ऑफिस में खाली पैसे चाहिए, इससे बड़ा और विकास क्या होगा हम लोग का? और क्या जानना है बोलिए। वोट देने जाएंगे तो आप? हम लोग वोट देंगे, क्या बोलते हो पार्टी का नाम? जयराम महतो वाला पार्टी को, जो झारखंड की बात करता है। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार के लोकसभा चुनाव का? क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? चूँकि राजनीति पे चर्चा तो यहाँ पे होता ही होगी दिन भर। राजनीति की चर्चा होती ही है। इस बार भी संजय सेठ ही आ रहे हैं, और संजय सेठ को आने पर जो अगला वक्ता बोले कि घुसखोरी, घुसखोरी को संजय सेठ को बोला जाएगा कि ऑफिस में इसको थोड़ा सा ये कीजिए, कड़ाई कीजिए सब ऑफिस में, और बीजेपी का सरकार आएगा तो ही राज देश अच्छा से चलेगा। यही कांग्रेस जो पांच न्याय की बात कर रही है, उस पर क्या जनता का विश्वास नहीं है? जनता का विश्वास एकदम नहीं है, उसको बहुत बार हम लोग वोट दे के देख लिए क्या किया सो, अरे मोदी जी आए और क्या क्या उपलब्धि किए हम लोग देख रहे हैं। गांव गांव में जाके देखिए, शहर में देखिए कि घर घर में योजनाएं जो पहुंची है वो मोदी के कारण ही, दूसरा कोई नहीं देता। अभी अनाज फ्री में मिल रहा है, नल जल का सुविधा कर दिए, शौचालय का सुविधा कर दिए, आपको ये गैस का सुविधा कर दिए, भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। दूसरा सरकार से विश्वास नहीं है, वो अभी जरूर कह रहा है राहुल गांधी जी ने कि 1,00,000 रुपया हर एक औरत को देंगे, साल में 1,00,000 रुपया देंगे, लेकिन वो जीतने के बाद हमको नहीं लगता है कि वो दे पाएंगे इसको। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या लगता है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर बदलाव होगा? नहीं देखिए, अब की बार 400 पार ये तो फाइनल है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना? लोग आपस में बतियाते हैं कि ये जीतेगा वो जीतेगा कांग्रेस आएगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि कांग्रेस आएगा, क्योंकि कांग्रेस वैसे कोई काम करने, उसका कोई पार्टी में कोई सा काम करने वाला है ही नहीं, समझे? तो जाहिर सी बात है, अपना वोट को बर्बाद ना करते हुए लोग अपना बीजेपी को वोट दें। इसका जो प्रत्याशी है क्या वो सही नहीं है, इसके जगह में किसी और को होना चाहिए? देखिए बात है कि अभी वो कल की मतलब की है, सुबोध कांत साहा जी के बेटी जो हैं, लोग उसको अच्छा से भी जान भी नहीं रहे हैं, ठीक है? तो भाई हमारा तो यही विचार है कि सबसे अच्छा भरा हमारा है जो संजय सेठ जी हैं, जो सांसद के लिए पर्चा भरे हैं, और उसको हम लोग भारी बहुमत से जिताएं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है? चूँकि सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने दावे और वादे कर रहे हैं, सभी का जो मैनिफेस्टो आप देखेंगे तो सब लोक लुभावन जो वादे हैं वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आम जनता का क्या राय है वही हम जान रहे हैं, तो आपका क्या राय? देखिए पहले तो दोनों जो हमारे प्रत्याशी हैं, भाजपा से संजय सेठ जी और कांग्रेस से यशस्विनी जी, दोनों को शुभकामनाएं। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज है, जो आम जनता डेली फेस कर रही है, वो है महंगाई। कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा करना चाहिए। सबसे बड़ा आज बच्चों को पढ़ाना इतना महंगा हो गया है, आप किताब लेने जाइए, कॉपी लेने जाइए, पेंसिल लेने जाइए, इतना महंगा हो गया कि एक गरीब हम लोग क्या पढ़ाएंगे किसी को, अपना बच्चा को क्या शिक्षा देंगे? सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन को सस्ता किया जाए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, हमारा देश डेवलप कर रहा है, आप डेवलप्ड होने का जो बात कर रहे हैं उस पर देर होगा। तो आपके लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके लिए क्या मुद्दा है? देखिए हम तो कोई राजनीतिक पार्टी से हैं नहीं, लेकिन एक वोटर होने के नाते तो ये कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर हो चाहे विश्व स्तर पर, मोदी जी तो देश का बहुत बड़ा गौरव बढ़ाए हैं, इसमें एकदम नो डाउट है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन निचला स्तर जो है ना, मोदी जी को बहुत हद तक फॉलो नहीं कर रहा है, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मामले में, या यहाँ का जो लोकल
समस्या है उसको देखा जाए तो लोकेलिटी के मामले में उस तरह का कोई आंतरिक रूप से कोई इस तरह का मतलब बहुत बड़ा कार्रवाई नहीं होता है जनप्रतिनिधि के द्वारा। वोट मांगने के लिए तो सब कोई बड़ा बड़ा काम वादा करता ही करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो अभी बहुत सारे हमारे भाई लोगों ने बताया कि भाई आप जाइए मोटेशन कराने के लिए, एक और जाति आवासीय बनाने के लिए जाइए तो बिना पैसा का नहीं होता है, 10,000 में जाति आवासीय बिक रहा है, कौन कहाँ का है उससे मतलब नहीं है, परमिशन में जाइए परमिशन के लिए भी रेट फिक्स है, रजिस्ट्री में भी रेट फिक्स है, हर जगह तो खाली पैसे पैसा है, लेकिन इस तरह का जो अगर हम लोग का इस तरह का होगा तो ये मोदी जी का देन ये नहीं है, उनका नीति में तो किसी को ना खाने देंगे ना खाएंगे ना खाने देंगे का मतलब अपना सब। विपक्ष जो है वो तो लगातार सवाल खड़ा कर रहा है ना कि केंद्र सरकार जो है ईडी को सामने रख करके कार्रवाई कर रही है, जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है ईडी का बहुत बड़ा, देखिए बात रही कि बड़ी मछली को तो दिखाई दे रहा है लेकिन छोटी मछली लोग यहाँ उतर रहा है दीमक की तरह हम लोग को खा रहा है, वो तो कोई नहीं देख ना पा रहा है सर, हंस मध्य बको ध्यानम, हंसों के बीच बकुला का कहाँ गिनती आएगा, वो तो दिखता नहीं है लेकिन खा तो रोज रहा है ना, वो तो बड़ा निकल रहा है, उसको भी थोड़ा अंकुश लगाने की जरूरत है, कोई भी हो नेतृत्व में कोई भी हमारे नेता होंगे या जो भी सांसद चुने जाएंगे हम लोग भी बहुत सोच विचार करके मत देंगे, लेकिन कोई भी नेता अगर चुने जाते हैं तो उनको आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना विनती करेंगे कि भाई आप जो है चुनते हैं तो जनता का जो आंतरिक समस्या है घुसखोरी है भ्रष्टाचार है जगह जगह पर पैसे का लूट है इस पर अंकुश लगाइए, विकास इस पर भी आगे बढ़ेगा, मोदी जी के लिए जो मोदी जी जो योजना बनाते हैं वो बहुत अच्छा योजना है, ऐसा बात नहीं है, आज राष्ट्रीय स्तर पर चाहे विश्व स्तर पर बहुत बड़ा उपलब्धि देखने को मिल रहा है, राम मंदिर का मुद्दा हटा दीजिए वो सब एक अलग मैटर है लेकिन विश्व स्तर पर भी भारत का साख बहुत हद तक बढ़ा है, आज तीसरा इकोनॉमी बनने का स्तर पर है, लेकिन यहाँ क्षेत्र में जो हम लोग देख रहे हैं कि दीमक की तरह जो है छोटी मछली लोग जो है हम लोग को कुतर कुतर के खा रहा है ना, महंगाई और भ्रष्टाचार ये दो अहम मुद्दा है यहाँ के लोगों का। चलिए एक बार और फिर आपसे बात कर लेते हैं, आप तो वोट कास्ट करिएगा, जो है भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन वोट तो देंगे आप किसको देंगे क्या सोच के देंगे? हम वोट उसी को देंगे जो झारखंड के हित में काम करे, हम किसी को नहीं बोले किसको वोट देंगे, जो अपने आदमी होंगे जो मेरे झारखंड का पब्लिक जो झारखंड का हित में काम करे, हम किसी पार्टी का आदमी नहीं है, जो झारखंड का हित में काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। आपका क्या ओपिनियन है? राष्ट्रीय पार्टी को तो छोड़िए, हम लोग पहले अपना झारखंड को देखेंगे, खतियानी पार्टी ही होना चाहिए जो जमीन और जहर जंगल जंगल जमीन को समझ सके, बस उन्हीं को हम लोग को वोट देना है, राष्ट्रीय पार्टी को दे के कोई फायदा नहीं है, कल के दिन में वो लोग फिर भूल जाएगा दो दिन में। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव में? प्रत्याशी पूरा ताल ठोक रहे हैं, जमकर पसीना बहा रहे हैं, तमाम बड़े नेता जो है वो लगातार कैंपेन किए हुए हैं। देखिए यहाँ का मूलभूत समस्या तो भ्रष्टाचार ही है, हमारे झारखंड एकदम त्रस्त हो गया है भ्रष्टाचार से, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है और बीजेपी केंद्र में है और 10 वर्ष से हम लोग जब से बीजेपी बैठी है हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग देखे कि सरकार कहने को सरकार। नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह से, आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं इस वक्त हूं चायबासा लोकसभा सीट के सोनुआ जगह पे, ये एक ऐसा जगह है जहां पर दो लोग यहां पर चुनाव मैदान में है, पहली बात अगर करें तो गीता कोड़ा चुनाव मैदान में है जो पिछले बार सांसद रही थी कांग्रेस पार्टी से, और उसके बाद उसके सामने जेएमएम का जो है वो जोवा मांझी जी हैं जो कई वर्षों से यहाँ विधायक हैं और मंत्री भी रही हैं। कुछ काम हुआ इस क्षेत्र का या क्या लगता है कि अभी बाकी है? क्षेत्र का तो बहुत विकास होना भी बाकी है, कुछ विकास हुआ भी है इस क्षेत्र में, जैसे मैं जितना इधर क्षेत्र था ये कभी कहीं रोड नहीं हुआ करता था, अभी सब तरफ रोड हो गया है, चाहे कहीं कहीं पानी का समस्या है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ का थोड़ा भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है इसलिए यहाँ पर काम में थोड़ा सा बाधा आता है। अच्छा, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ? नहीं, वही चीज़ नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कल कारखाने अगर हो जाता तो बहुत विकास होता, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर कुछ लोग ना बोलते हैं कुछ लोग हाँ बोलते हैं। क्या आपके जो नेता हैं वो इसके लिए एक्टिव नहीं है? नहीं, नेता तो एक्टिव है लेकिन कुछ विपक्षी दल भी है, कुछ पक्ष वाले हैं, विपक्ष वाला चाहते हैं कि नहीं बने, अब पक्ष वाला चाहते हैं कि बने, यही जो आमाजी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
जवा माझी तो यहाँ की बहुत कर्मठ नेता हैं, दो दो बार मंत्री रही हैं, उनका भी साफ सुथरा छवि है उनका कुछ की। हाँ वो काम तो करती है, गाँव देहात में काम करती है अपना। आपके सांसद इसमें गीता कोड़ा है, उसने कुछ किया? उनका तो कार्यकाल पिछले तो कांग्रेस में थी सांसद, लेकिन कार्यकाल उनका कुछ ऐसा दिखा नहीं इस एरिया में, लेकिन इस बार बीजेपी से स्टैंड किए हैं तो दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन उनको तो वोट नहीं दे रहा, लेकिन आदमी से यहाँ क्या लोग बोल रहे हैं, उनको वोट नहीं देके मैं डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। कुछ बना यहाँ पर, कुछ हुआ कि नहीं बाबा? कुछ हुआ कि नहीं यहाँ पर काटी? कुछ काम धाम हुआ यहाँ पे? जनता ने, सरकार ने आपको कुछ दिया, कुछ किया इस क्षेत्र के लिए? कौन किया? सड़क बने, रोड बने, कल कारखाने खुले, रोजगार मिला, कुछ मिला? कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला ना। क्यों? उतना तो बोलने नहीं सकेंगे, क्यों बोलने, उतना कानून बोलने नहीं सकेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं बना। आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे हुआ विकास का काम? विकास का काम तो हुआ है, हुआ है। जैसे मैं कि रोड पहले नहीं था, मोदी सरकार किए हैं। मोदी सरकार ने किया है? किया है, बहुत कुछ काम किया है। कल कारखाने खुले? कल कारखाने नहीं खुले, ठीक है, वैसा यहाँ वैसा सुविधा नहीं है, लेकिन क्या बोले, जैसे कि आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं। अच्छा। तो हम लोग गरीब के लिए उसके उतना ही बहुत अच्छा है। पानी के बोला जा रहा है कि पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ? पानी का तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई 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 जगह है, लेकिन वो सब भी तो बोल रहे हैं कि ठीक करेंगे बोल के। नौकरी चाकरी का कोई व्यवस्था? नौकरी चाकरी का व्यवस्था होने से हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बाद में जो पढ़े लिखे हैं वो लोग तो कर रहे हैं। पलायन को रोकने के लिए लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए? हाँ, उनके लिए भी तो कुछ सोचेंगे बोल रहे हैं मोदी सर। नहीं हुआ है, लेकिन सोचेंगे बोल रहे हैं, करेंगे बोल रहे हैं। कुछ काम हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो पूरा पहाड़ी एरिया है? काम तो होगा बोल के तो आश्वासन दे रहे हैं, जो पहले का अनुपात से तो काम तो हो रहा है, जैसे आदमी का सोचने बढ़ते जा रहा है उस आधार से होने का हो रहा है, लेकिन कुछ में हो रहा है तो कुछ में नहीं भी हो रहा है। जैसे बच्चे लोग का आशा रख रहे हैं, वो आशा को थोड़ा सा निराशा भी महसूस हो रहा है। जैसे पढ़ा लिखा के MBA BCA जो भी कोर्स वोर्स कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दयनीय स्थिति है। हम लोग तो खा पी रहे हैं, पहले से खाने पीने का थोड़ा सा संतुष्टि ज़्यादा मिला है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन बच्चे लोग के आगे की पीढ़ी के लिए थोड़ा घट रहा है स्तर। तो पढ़ाई में जिस ढंग से हम लोग अपना बच्चे लोग को कर रहे हैं, उस अनुपात से उन लोग का भी थोड़ा मिलना असंभव लग रहा है। जैसे रेलवे उलवे में हुआ, इस समय बहाली को मैंने थोड़ा घटते जा रहा है, बैंक में हुआ, कोई भी है वो सरकारी कामकाज में किसी में भी, तो उस अनुपात से थोड़ा सा मैंने देखा सोचा जाए तो थोड़ा घट रहा है, लेकिन आदमी का स्तर बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। लोगों का लगता है कि यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन ये जितना पहाड़ी एरिया है पूरा, उसको अगर आप देखें तो आपको लगता है इसको अगर डेवलप करें तो टूरिज्म का अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हो सकता है क्या? उसका बारे में तो इतना हमको जानकारी नहीं है। टूरिज्म के रूप में अगर इसको डेवलप किया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, ठीक रहे। रहेगा ना? ठीक रहे। ये पूरा पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर कुछ दिखता रहा आपको? हाँ, दिख रहा है। हाँ, किसको वोट करेंगे? तो कौन सा नेता आपको पसंद है? सा तो हम लोगों को फूल छा भी फूल छा पसंद है। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, सच्चाई कुछ तो देखने को मिलता है। सच्चाई देखने को मिलता है। हाँ। आप किसको पसंद करते हैं? ये नहीं बता सकते हैं, इनको कोई नेता पसंद नहीं है। आप देखें, युवा वर्ग हैं हमारे साथ में, और इनसे अगर आप पूछें तो आपको इस बात के लगेगा कि आखिर क्या होता है। चलिए आप देखते हैं जरा सा, भाई साहब दुकान चलाते हैं क्या? क्या किस चीज़ के दुकान चलाते हो आप? किस चीज़ का चलाते हैं यार? का ये दुकान खोले हैं, पान दुकान। अच्छा, पान दुकान। हाँ, क्या लगते, कितने दिनों से आप ये पान दुकान चला रहे हैं? बहुत दिन हो गया चलाते हैं, मेरा भैया लोग चलाता है, बाप लोग था वही चला रहा। ये दो नेता आपके सामने हैं, कौन बेहतर है? बेहतर तो गीता कोड़ा है, बेहतर है। किस एंगल से? बहुत कुछ का एंगल से वो ठीक है, गीता कोड़ा।
कांग्रेस से जीत के गई, बीजेपी में चली गई। हाँ चली गई, ठीक है आ गया। तो तब कैसे बेहतर हुआ? बहुत बेहतर हुआ, बहुत बढ़िया है, मोदी जी है उसके साथ में। अगर आज बीजेपी से जीत के दूसरे पार्टी में चली गई तो? नहीं जाएगा, कहे जाएगा। क्यों जाएगा? कहे जाएगा, अभी इतना बड़ा प्रधानमंत्री है कैसे जाएगा, अभी आया है। आपके यहाँ लगता है कि किसी चीज की जरूरत है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में तो बहुत कुछ जरूरत है अभी, जैसे हम बोले से बहुत कुछ है। कल कारखाने खुले, फैक्ट्रियां खुली, रोजगार मिला, स्कूल कॉलेज खुले, इंस्टीट्यूट खुला, कुछ हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो आप कैसे कहते हैं कि बेहतर है? अभी बेहतर होगा, अभी वर्तमान आए हुए है। अब तो बहुत दिन हो गए ना? कहाँ दिन हो गए, बीजेपी में आने से तो बहुत दिन नहीं हुई है। अच्छा, बीजेपी आने के बाद डेवलप होगा? होगा, जरूर होगा, मोदी है साथ में तो होगा जरूर। मोदी है साथ में तो बेहतर होगा, लेकिन सवाल उठता है कि अभी भी अगर आप ये देखें तो इस क्षेत्र में आपको लगेगा कि पहाड़ जंगल के अलावा और भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जनता जो है 1 किलोमीटर दूर तक जाती है पानी लाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब इन चीज़ को कौन बताए और कौन समझाए? जरा सुने देखें भाई साहब क्या हल है, कुछ होना चाहिए यहाँ पे। विकास का नाम पर तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, जैसे भी यहाँ कहा जा रहा है कि न कल है, न कारखाने, न पानी की व्यवस्था नहीं।, नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की ओर से, किसी तरह का प्रावधान नहीं है। तो ये लोग कुछ करते नहीं है? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना वोट जीतते हैं, 4 साल तक मेढक की तरह रहते हैं, 5वां साल में आते हैं चुनाव के दरमियान में। तो इसका कैसे हिसाब किया जाए? हिसाब इस बार हम लोग सत्ता पलट रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं? जी हाँ। तो लेकिन क्योंकि पलटी मार जाती है, गीता कोहरा भी तो पलटी मार के चली गई। पलटी मारी थी, वो संगठन में नहीं थी। अच्छा। अब बीजेपी का संगठन में मोदी है तो गारंटी है। अच्छा। मोदी का संगठन में वो इधर उधर हिलने नहीं सकेगी, और उस समय तो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस तो लूट खोसट वाला बात होता है ना। तो यहाँ इस बार कल कारखाने फैक्ट्रियाँ खुलेगी? निश्चित रूप से खुलेगी, निश्चित रूप से खुलेगी। यहाँ अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत जगह है ये, टूरिज्म के लिए कुछ सोचते हैं लोग? कुछ नहीं किया है टूरिस्ट के लिए, कोई किसी तरह का काम नहीं किया गया, जबकि यहाँ टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा अच्छा जगह है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं? हाँ एकदम आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, डैम देखने के लिए आते हैं, लेकिन डैम में उस तरह का व्यवस्था नहीं है। अच्छा। जो व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ के टूरिस्ट होना चाहिए, टूरिस्ट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बिल्कुल, समस्या यहाँ बहुत है, पानी मैंने पहले बताया, टूरिज्म को अगर चाहें तो उसको डेवलप किया जा सकता है, वो भी नहीं की गई है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी तो कुछ होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये चलेगा और क्या ये रास्ते या फिर ये रास्ते कहाँ तक जा सकते हैं। जमशेदपुर लोकसभा के क्षेत्र में, पश्चिम विधानसभा के सांची के क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, चाय की दुकान है, यहाँ पर शाम का वक्त है, शाम के वक्त में लोग चाय पीने के लिए पहुँचे हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन लोग से हम एक बार जान लेते हैं। सर, जमशेदपुर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 25 मई को मतदान है, इस बार क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं देश के प्रकृति में या फिर जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र? देखिए चुनावी मुद्दे तो जो होते हैं बेरोजगारी को लेकर करने पड़ेंगे, डेवलपमेंट को लेकर देखनी पड़ेगी। राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी सोच रखते हैं, है ना, लेकिन बाकी जो मतदाताओं को सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी से बढ़कर कौन नेता डेवलपमेंट को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उस पर ये सोचना पड़ेगा। जो लोकसभा क्षेत्र है, वर्तमान में जो सांसद है, क्या उनका जो कार्यकाल रहा सही आपके नज़र में? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा। जमशेदपुर ही नहीं, जमशेदपुर के अगर रूरल एरिया में जाएं वहाँ पे डेवलपमेंट, सड़कें जो भी है, यहाँ एयरपोर्ट के लिए उन्होंने काफ़ी फाइट करी है, एट लास्ट अभी तो दिख रहा है कि सक्सेस होने वाला है, एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके साथ साथ जो बाकी जो है, देखिए लोगों को बिजली पानी है ना और साफ सफाई चाहिए, ये बेसिकली आम लोगों को ये चाहिए, इससे ज़्यादा इससे लोगों को मतलब नहीं होता। तो बाकी वो दिख रहा है, वो मिल रहे हैं, वो मिले हैं लोगों को। मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक से ही जानना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं, वो मिली है क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफिशियल ट्रैवल करता हूँ तो दिखता है मुझे, सड़कें पानी ठीक है, इवन सेफ्टी सिक्योरिटी आप भी देखिए वहाँ पे, आप इसके साथ साथ पुलिस नेता से ही, नेता और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर ही लोगों को सेफ्टी देते हैं,
यहाँ पे क्राइम भी बहुत कम है, इनफैक्ट अच्छा है। देखिए ये इन्होंने कहा कि जमशेदपुर लोकसभा के जो क्षेत्र का जो वर्तमान सांसद है, उन्होंने कहा कुछ और युवा लोग हैं। अच्छा सर ठीक है, मतदान करने तो जाएंगे ना 25 तारीख को? बिल्कुल, आप जमशेदपुर लोकसभा के क्षेत्र में हैं, क्या सोच कर जाएंगे कि आप लोग युवा हैं, किस तरीके से देखिए अभी हम लोग सोच का क्या है कि वोट किसी को भी दीजिए, ज़्यादा कुछ फायदा होने वाला है नहीं। आज के जनरेशन में ऐसा हो गया है कि वोट आप दीजिए, अपना टाइम दीजिए, लाइन में लंबे लाइन में खड़े रहिए धूप में, तो उसके बाद वोट दीजिए, फ़ायदा क्या होता है? कुछ होता है? आपको लगता है कुछ फ़ायदा होता है? अभी यहाँ पर ऐसा टाइम आ गया है कि वोट किसी को भी दीजिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ठीक है, होना वही है जो वो लोग चाहता है। और हम आप लाइन में लग के घंटों लाइन में खड़े रहेंगे, वोट देंगे और होना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा नहीं लगता है कि वोट देने से बहुत ज़्यादा फायदा है, कुछ नहीं होता है। और लेकिन वो तो वोट देना हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है तो हम सकते हैं। हाँ बदल के किसको लाएंगे? जिसको भी लाएंगे करना उसको वही है। अभी रांची में इतना करोड़ों रुपया निकल रहा है, आप हम 1-1 लाख रुपया काम करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, वहाँ करोड़ों इतना नोट है कि जितना आप देखे नहीं होंगे उतना उन लोगों के पास है। क्या करना है? हम लोग तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वोट दे दे के, और कोई फायदा तो होता नहीं है। लेकिन वोट डालने तो जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे वोट। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि वोट डालने तो जाएंगे लेकिन वोट डाल के कोई फायदा नहीं हो, करोड़ों रुपया मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बातें हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, इन लोग से भी जान लेते हैं, सर युवा लोग हैं। आइए सर थोड़ा सामने आए। नहीं ठीक है, आप बट वोट डालने तो जाएंगे ना सर? बिल्कुल, मतलब आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं देश के प्रकृति में या फिर जमशेदपुर का लोकसभा क्षेत्र? जो देखिए मेरे हिसाब से तो सभी को वोट करना चाहिए, ठीक है, और हर एक यंग जनरेशन से मैं बोलूँगा कि आपको वोट करना चाहिए और अपना जो अधिकार है उसको करना चाहिए, ठीक है। अगर की बात करें तो कैसे देखते हैं जो वर्तमान में सांसद है, क्या उन्होंने काम किया या फिर कुछ बदलाव? नहीं, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ बेसिकली ज़्यादा दिन मैं बाहर काम करता हूँ, ठीक है, मैं मेरा घर यहाँ पे है लेकिन मैं बाहर काम करता हूँ, तो इसलिए, लेकिन काम तो सही है, ओवरऑल काम अच्छा है, ठीक है। ओवरऑल काम सही है। सर आपसे भी एक बार हम जान लेते हैं जरा थोड़ा से। अच्छा ठीक है चलिए, जी है इनका कहना है कि यहाँ पे कुछ और लोग हैं, युवा लोग हैं, हम इन लोग से जान लेते हैं कि चलिए ठीक है, मतदान होना है सर 25 मई को, क्या सोचते हैं जमशेदपुर के परिप्रेक्ष्य में, किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे जमशेदपुर का लोकसभा क्षेत्र? अब जमशेदपुर के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट हैं, मैं एक्चुअली यहाँ का हूँ नहीं तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि कौन से कैंडिडेट हैं, उनका क्या है, कितना पोटेंशियल है उनके हर कैंडिडेट का और उनका अपना क्या बैकग्राउंड है या क्या किए हैं जमशेदपुर के बारे के लिए, ये मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट हाँ जो भी होगा अच्छा ही होगा भाई, जमशेदपुर की जनता जिसको चुनेगी वो अच्छा ही चुनेगी और कुछ ना कुछ उसमें होगा, कुछ तो उसका क्वालिटी होगा जिसके बेसिस पे उसको चुनेगी सरकार, उस सरकार को जमशेदपुर की जनता चुनेगी और वो अच्छा ही चुनेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो जमशेदपुर के लोग हैं वो अपने हिसाब से जो अच्छे लोग होगा उन्हीं को चुनेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के पश्चिम विधानसभा के साक्षी का जुबली पार्क के गेट के पास से आम आदमी की राय सुना रहे थे, जमशेदपुर लोकसभा का 25 मई को मतदान होना है तो किस तरीके से लोग सोचते हैं, क्या उनकी सोच है देश के प्रति और जमशेदपुर में जो लोकसभा का चुनाव। देखिए यहाँ पे जो चौक है, यहाँ पर शाम के वक्त एक तरह से कहें कि जो मुंबई या फिर बड़े शहरों में जिस तरीके से शाम के वक्त में लोगों का जुटान होता है तो वैसे ही लोग देखिए यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं। हम लोग से चाय का से बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। सर 25 मई को जमशेदपुर लोकसभा का मतदान होने जा रहा है, क्या सोचते हैं सर जमशेदपुर के परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान में है या फिर देश को देखकर? इसमें कैसे बताएं सोचना? नहीं, क्या आखिर मतदान करने जाएंगे तो कुछ सोच के जाएंगे कि भाई किसको मजबूत करना है, क्या देश में कैसा चल रहा है? नहीं वो तो है, वो तो हम लोग सोच के जाते हैं, है ना, और देश को तो मजबूत करना ही पड़ेगा, तो हम लोग को वोट दिया जाएगा, जरूर देंगे। चलिए सर आप क्या सोचते हैं? अभी वर्तमान सरकार बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से काम कर रही है और यहाँ के जो MP हैं बहुत एक्टिव हैं और हर विषय पे वो सोच समझ के काम करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे लोग जो चाय पी रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ के MP अच्छे हैं, सोच समझ के काम करते हैं। कुछ और लोग हैं, कोशिश करते हूँ मैं बात करने का, इस ओर देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, हम इन लोग से जान लेते हैं। सर आपसे एक मिनट, आपका एक मिनट लूंगा सर।
जमशेदपुर लोकसभा का मतदान होने जा रहा, 25 तारीख को वोटिंग है, आप जमशेदपुर शहर से हैं, क्या सोचते हैं जमशेदपुर शहर को देखते हैं, किस तरीके से वर्तमान में सांसद हैं या फिर जो अभी नई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है या देश के प्रपेक्ष में क्या सोचते हैं? हमको तो लग रहा कि बीजेपी आगे निकलेगा। आप क्यों पूछिए? क्योंकि बीजेपी काम कर रही है, काम कर रही है। ऐसे क्या क्या काम है जो आपको नजर में? रोड है और अदर्स जितने भी पॉलिसी है सब जो सरकार की जो वो लागू हो रहा है सबको मिल रहा है, ठीक है, बस यही इतना ही आपसे। देखिए, इनका कहना है कि बीजेपी अच्छे कार्य कर रही है, जो देश में जो पॉलिसी चल रही है मोदी की गारंटी में उसको लेकर 25 तारीख को मतदान होना है जमशेदपुर लोकसभा का, क्या सोचते हैं किस तरीके से मतदान करने जाएंगे, तो क्या सोच कर जाएंगे? मतदान यही सोच कर के जाएंगे कि देश का भविष्य तय करना है और 10 सालों में जो काम हुआ है हमारे देश में उसको देखते हुए आगे कैसे काम होगा, वही सोच के हम लोगों को मतदान करना है और हम यही प्रयास करेंगे कि हम खुद भी मतदान करें और लोगों को प्रेरित करें। कम से कम देश का भविष्य का सवाल है, घर में लोग ना बैठे रहे। देखिए, देश का भविष्य का सवाल है, घरों में ना बैठे, वोट जरूर करने जाए। आप क्या सोचते हैं सर? किस बारे में? 25 तारीख को जो मतदान होना है जमशेदपुर लोकसभा का, जो वर्तमान में जो सांसद है उनको लेकर या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, जो भी हमारी अभी वर्तमान सरकार अच्छी काम करे इसी को जिताना है, इसी पे हम लोग का दिमाग है, इसी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो वर्तमान में जो काम कर रहा है उन्हीं को हम लोग को सपोर्ट करना है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, जिस तरीके से लोग अपनी अपनी सोच बता रहे हैं कि हमें वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, तो एक तरह से कहे कि ये जो क्षेत्र है ये शाम के वक्त इस तरह से गुलजार हो जाता काफ़ी लोगों से। तो देखिए, यहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं सर, थोड़ा सा आगे आ जाना। 25 तारीख को जमशेदपुर लोकसभा का मतदान होना है, जमशेदपुर को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग जमशेदपुर से? जमशेदपुर का देखिए, अपना अपना सबका विचार है, ठीक है ना, किसी का कांग्रेस को करेगा, कोई बीजेपी को करेगा, सबका अपना मतदान है। वर्तमान में जो सरकारें काम कर रही है, राज्य सरकार बोले या फिर देश की सरकार, क्योंकि देश का चुनाव हो रहा है, तो किस तरीके से? हमको तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है, खाली प्रचार ज़्यादा हुआ है बस। बदलाव जरूरत है, बहुत बदलाव की तो जरूरत है ही है। जैसे इनका कहना है कि बदलाव की ज़रूरत है, अभी वर्तमान में जिस तरीके से जो काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हुआ, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय हैं, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि काम तो हुआ है, कुछ लोग का कहना है कि काम नहीं हुआ है, बदलाव होना चाहिए। सर, आप घूम जा रहा है, चलिए ठीक है, ये कुछ नहीं कहना चाहते हम, कुछ युवा हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस ओर जाकर, क्योंकि ये चौक है, चौक में लोग अलग अलग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, हम एक बार चाय पी रहे हैं सर से, इनसे भी जान लेते हैं क्या। अच्छा, 25 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, वोट तो करने जाएंगे ना सर, क्या सोच कर जाएंगे आप? देखिए, सबको अपना अपना सोचता है कि भाई हमको अपने शहर के लिए अच्छा करना है, अच्छे कैंडिडेट को लाना है, तो कुछ तो सोचे होंगे मतदान करने। जो जनता के हित में जो अच्छे काम करेंगे उसी को लाना है, जो जनता के हित में, नौजवानों के हित में जो काम करेंगे उन्हीं के हम लोग को लाना है, बस यही बोलना चाहते। बिल्कुल, जो जनता के हित में काम करेंगे, जो नौजवानों के हित में काम करेंगे उनको लाना है। आप क्या सोचते हैं सर 25 तारीख को मतदान? हम वही सोचते हैं जो भैया बोले, जो जनता के लिए काम करेंगे वही। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जो देश के लिए सोचेगा, जो शहर के लिए सोचेगा मैं उन्हीं को लाऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की, जो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के जो 25 तारीख को मतदान होना है उसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है, कुछ लोगों का कहना है कि काम हो रहा है, कुछ लोगों की कहना है कि बदलाव की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं एक मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जमशेदपुर लोकसभा के पश्चिम विधानसभा में मैं था, जहाँ से आपको आम लोगों की राय सुना रहा था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।